बैटल ऑफ बंगाल में तृणमूल बनाम बीजेपी की जंग दिन ब दिन और ज्यादा तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक तरफ जय श्री राम के नारे से चिढ़ है तो दूसरी तरफ उन्हें हिंदू वोट की चिंता भी है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस आज पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा मना रही है। टीएमसी का फोकस खासतौर पर हुगली पर है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दीदी की पार्टी को जोर का झटका दिया था। ममता की पार्टी आज हुगली में करीब 125 जगहों पर सरस्वती पूजा कर रही है। इस सियासी पूजा के लिए तृणमूल के सांसद और विधायकों से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हुगली में टीएमसी की सरस्वती पूजा की बागडोर आरामबाग से सांसद अपरूपा पोद्दार के हाथों में। आलम यह है कि ममता की पार्टी ने पूजा पंडालों को ही चुनाव प्रचार का हथियार बना दिया। पूजा पंडालों के जरिए ममता की सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हुगली में टीएमसी सरस्वती पूजा कर रही है तो उलुबेरिया में बीजेपी भी बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजन के कार्यक्रम कर रही है। इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य उलुबेरिया में मौजूद हैं, देखिए उनकी एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले जय श्रीराम बनाम जय मां दुर्गा यहां पर शुरू हो गया है और पश्चिम बंगाल के चुनावों में टीएमसी ने मां सरस्वती की पूजा में अपने तमाम योजनाओं का बखान किया तो बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम इस वक्त उलुबेरिया में मौजूद हैं। उलुबेरिया लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी मानी जाती है कि 2009 से टीएमसी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और यहां की सातों विधानसभा सीट पर टीएमसी ही काबिज है। उलुबेरिया ही ये वो जगह है जहां पर पिछले साल सरस्वती पूजा पर ममता सरकार ने रोक लगाई थी और उसके बाद हंगामा भी हुआ था। सीपीएम का गढ़ सबसे पहले माना जाता था लेकिन 2009 से टीएमसी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और अब उलुबेरिया में बीजेपी के नेता सरस्वती पूजा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनमानस में एक मैसेज देने की कोशिश कि अगर मां सरस्वती की पूजा से ममता सरकार वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी भी उन जगहों पर जरूर पूजा करेगी और जाएगी जहां पर सबसे पहले हंगामा हुआ और पूजा करने के लिए रोका गया। उलुबेरिया में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पूजा करने पहुंचे। मनीष भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट और देखिए। सरस्वती पूजा के जरिए ममता बनर्जी सरकार ने वोट बैंक साधने की कोशिश की है तो बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम इस वक्त उलुबेरिया में मौजूद हैं। उलुबेरिया सीट सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है और सबसे बड़ा कारण यहां पर यह भी माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने दुर्गा पूजा यहां पर आयोजित की है क्योंकि पिछली बार ममता सरकार ने उलुबेरिया में ही दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी थी। यही वजह है कि बीजेपी ने यहां पर सरस्वती पूजा का कार्यक्रम रखा है और दिलीप घोष यहां पर आए हैं, पंडाल में बैठे हुए हैं बीजेपी के जो नेता हैं और उसके बाद यहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। उलुबेरिया टीएमसी का गढ़ माना जाता है, सातों विधानसभा सीट पर टीएमसी के विधायक यहां पर काबिज हैं और बीजेपी लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि उलुबेरिया में किसी भी हालत में कमल खिले और उसको लेकर कुछ भी करना पड़ेगा वो बीजेपी तैयार है। सरस्वती पूजा के जरिए इमेज मेकओवर की कवायद है क्योंकि टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी ममता सरकार पर मुस्लिम वोट के लिए सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा में खलल डालने के इल्जाम लगाती रही है और तृणमूल ऐसे आरोपों को बीजेपी का झूठ बताती रही है। वो झूठा आरोप था, झूठ छोड़ के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को और कुछ नहीं आता है। अच्छे दिन के सपने भारत की जनता को दिखाए लेकिन अच्छे की जगह बुरे दिन भारत की जनता ने देखे हैं। वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों का ये लोग माँ दुर्गा को अपमान करते हैं तो जो लोग भारत हमारे बंगाल की कृष्टि संस्कृति से इन लोगों का कोई लेन देन नहीं है ये लोग क्या जानेंगे कि बंगाल के हर कोने में हर क्लब में हर स्कूल इंस्टीट्यूशन में हर कॉलेज में सरस्वती पूजा होते माँ दुर्गा को सब कोई पूछते हैं। पूजा एक उत्सव का रूप दिया जा रहा है बंगाल में। अब बताइए वहाँ पर दिलीप घोष दो तीन दिन पहले हमको दुख होता है कि माँ दुर्गा को उन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं। माँ दुर्गा ये सब असुर को एक दिन बात करेंगे, कल बोलेंगे कि सरस्वती भी भगवान नहीं है, ये लोग यही बोलेंगे। दुर्गा माँ के যেভাবে তৃণমূল সরকার মা দুর্গার বিসর্জনের সময় কোর্টে যেতে পারমিশন নিতে যাওয়া হয়েছিল সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে আর আমরা সব সময় আমাদের যেটা আমাদের দেশের সংস্কৃতি আজকে মা দুর্গা থেকে মা কালী থেকে আমরা সংসদেও আমরা সারাক্ষণ মা দুর্গা মা কালীকে মা সরস্বতীকে নিয়ে কথা বলি এবং তৃণমূলের কোনো কিছু তারা পাচ্ছে না এখন কোথা থেকে কার কিভাবে ভুল ত্রুটি ধরা যায় তার চেষ্টা করছে। দুর্গা মা আমাদের মনের ভেতর আছে, আমরা সারাক্ষণ তাকে পুজো করি, সুতরাং দুর্গাকে নিয়ে
কিছু বলা তৃণমূলের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে না। নেড়া হচ্ছে এটা কি বলবেন? দেখানো হচ্ছে, সব প্রচারে আসার জন্য চেষ্টা করছে। তারা দুর্গা মাকে কতটা ভক্তি করে সেটা আমরা দেখতেই পেয়েছি, যে দুর্গা মার বিসর্জনের সময়ে মহরম পড়েছিল বলে দুর্গা মার বিসর্জন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। सरस्वती पूजा पंडालों से ममता बनर्जी की सरकार के कामों का प्रचार किया जा रहा है। ममता बनर्जी के कामों को गिनाने वाले पोस्टर यहां लगे हैं और इस पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जनता ममता से पहले ही नाराज है। जिस तरह से पूजा के पंडालों में ममता के झूठे पोस्टर लगे, उससे देवी देवता भी ममता से नाराज होंगे और इसका खामियाजा ममता को झेलना पड़ेगा। এই ব্যবস্থা কিন্তু আগে ছিল না। উলবেড়িয়ায় সরস্বতী পুজো করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ করতে হয়। মুর্শিদাবাদে তো এমন এমন বিদ্যালয়ের নাম আমি বলে দিতে পারি যেখানে মাননীয় আমলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়েছে, এমন অন্তত 50টা বিদ্যালয়ের নাম আমি বলে দিতে পারি, থানার নাম আমি বলে দিতে পারি। যাই হোক, কথা বাড়াবো না। तो ये थी बंगाल की राजनीतिक लड़ाई की बात। ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।